बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ आठ करत करत अभ्यास के। करत करत अभ्यास के का अर्थ है बेटा कि जब हम कोई किसी चीज़ का बार बार अभ्यास करते हैं यानी प्रैक्टिस करते हैं तो हम जो चीज़ नहीं सीख पाते हम उसे भी सीख लेते हैं। इसे हमने चित्रकथा नाम दिया क्योंकि इसमें चित्र बने हुए जिसके माध्यम से हम इन दोनों के बीच संवाद को समझ कर हर एक लाइन को समझ सकते हैं। तो बेटा इसका इसकी भूमिका देखेंगे। सबसे पहले विद्या ज्ञान प्राप्त करना हम सबके जीवन का उद्देश्य होता है। देखो हम सब चाहते हैं कि हमें जो विद्या रूपी धन है विद्या रूपी ज्ञान है वो प्राप्त हो जाए। कुछ बालक जो याद करते हैं उन्हें तुरंत याद हो जाता है। आप सभी को पता है कि कुछ बच्चे इतने होशियार होते हैं कि जिस चीज़ को एक बार रीडिंग करते हैं तो वो जल्दी सीख जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे होते हैं जो याद तो करते हैं पर उन्हें याद नहीं होता। किंतु कुछ बालक जो भी याद करते हैं उसे तुरंत भूल जाते हैं, मगर अभ्यास एवं दृढ़ संकल्प स्थिति को पूर्णतः बदल देते हैं। लेकिन हम उसका बार बार अगर प्रयास करें कोशिश करें तो और अपने मन में दृढ़ संकल्प को लेके चलें कि हम ये कर सकते हैं तो हम कुछ भी सीख सकते हैं। आगे देखिए बेटे चित्रकथा शुरू करने जा रही हूँ मैं। गुरु जी के आश्रम में बहुत से बालक पढ़ते थे। उनमें से एक बालक का नाम था वरदराज। वह जो भी पाठ पढ़ता अगले दिन भूल जाता था। ठीक है, मतलब एक बच्चा इसमें वरदराज नाम का, वो जो भी याद करता है भूल जाता है। उसके साथ ही आगे बढ़ते गए वरदराज पिछड़ता गया, मीन्स पीछे वो क्लास में बार बार वहीं रह गया। वो गुरुजी ने उसे सिखाने की बहुत कोशिश की मगर सब बेकार। गुरुजी इससे निराश हो गए और उसे वापस घर लौट जाने को कहा। गुरुजी इस बात से नाराज़ हो गए कि तुम पढ़ते तो हो नहीं, तुम अपने घर वापस चले जाओ। फिर ये इसको कहते हैं बेटा वरदराज तुमसे पढ़ाई नहीं होगी, तुम अपने घर वापस लौट जाओ और वहाँ अपना काम काज करो। नेक्स्ट देखिए, गुरुजी की बात सुनकर वरदराज ठगा सा रह गया। वह कोई उत्तर नहीं दे सका, निराश होकर घर की ओर लौट चला। रास्ते में वह आराम करने और पानी पीने के लिए एक कुएं पर रुक गया। तभी उसने कुएं की जगत पर रस्सी की रगड़ से बने गड्ढे देखे। जगत होता है बेटा, देखो ये जो किनारी है ना इसको जगत कहते हैं। ठीक है, जब इतने कोमल रेशों से बनी रस्सी की रगड़ से कठोर पत्थर में गड्ढे बन सकते हैं तो क्या कठोर परिश्रम करने से वह विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। अब उसने इस बात से एक सीख ली कि इतनी कोमल रस्सी है और ये पत्थर इतना हार्ड है कठोर है तो इस कोमल रस्सी ने इस पर निशान बना दिए, तो अगर मैं भी बार बार अभ्यास करूँगा तो क्या मैं भी नहीं सीख सकता कुछ भी। यही सोचकर वरदराज वापस आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते पर चलते चलते वह सोच रहा था मैं कठिन परिश्रम करूँगा, मैं बहुत मेहनत करूँगा, फिर देखता हूँ विद्या कैसे नहीं आती, फिर मैं देखता हूँ मुझे पढ़ाई कैसे नहीं आएगी, मुझे विद्या अवश्य आएगी, मैं बार बार अभ्यास करूँगा और विद्या अवश्य प्राप्त करूँगा, मुझे विद्या जरूर प्राप्त करनी है। शाम होने से पहले वह आश्रम पहुँच गया। उसे देखकर गुरुजी हैरत में पड़ गए। गुरुजी हैरान हो गए कि वापस आ गया वरदराज। गया था गुरुजी पर आधे रास्ते से ही लौट आया। मेरी आँखें खुल गईं, अब मैं पूरी लगन से पढ़ूँगा और आगे बढ़कर दिखाऊँगा, अब मुझ में लगन आ गई है, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़कर दिखाऊंगा। इन्होंने इससे पूछा था वरदा तुम घर नहीं गए, फिर इसने इसका उत्तर ये दिया। आगे देखिए, गुरुजी उसके चेहरे पर नई चमक और मन में नया हौसला व उत्साह दिखाई दिया। गुरुजी ने क्या देखा, उसके चेहरे पर एक नई चमक थी और एक मन में नया हौसला था। उसका यह रूप देख कर वह बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुशी हुई इनको गुरुजी को। ठीक है, तुम जो कह रहे हो उसे कर दिखाओगे तो सबसे अधिक प्रसन्नता मुझे होगी, मैं सबसे ज़्यादा खुश होऊंगा बेटा अगर आप पढ़ाई करते हो तो। उस दिन के बाद वरदराज को ना भूख सताती थी और ना ही नींद। वह रात में देर तक पढ़ता रहता और सुबह सबसे पहले उठ जाता था, दिन में भी अपना समय व्यर्थ नहीं करता। उसे देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए। ठीक है, उसमें इतनी लगन आई कि वो सुबह शाम सिर्फ पढ़ता ही रहता था। अब उसको ये लगता था कि अगर मैं कहीं इधर उधर जाता हूँ तो मेरा समय बर्बाद होगा। उसकी गणना श्रेष्ठ छात्रों में होने लगी। गणना मीन्स बेटा गिनती अच्छे बच्चों में होने लगी, जो बच्चे बहुत होशियार थे ना उसकी गिनती उसमें आने लगी। अब आगे चलकर वरदराज एक विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुआ। आगे चलकर वरदराज क्या बन गया, एक बहुत बड़ा विद्वान बन गया। उसके जीवन की इस घटना पर एक लोक प्रसिद्ध लोकोक्ति भी बनी है। वरदराज पर एक लोकोक्ति बनी है बेटा, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। मतलब हम अगर बार बार अभ्यास करते हैं, करत करत मतलब बार बार करना अभ्यास, जड़मति हो सुजान, जो जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी भले इंसान बन जाते हैं, होशियार बन जाते हैं। रसरी आवत जाते सिल पर परत नसान। जिस तरह एक रस्सी
पत्थर के ऊपर एक निशान छोड़ जाती हैं, उसी तरह क्या मैं भी लगन के साथ पढ़ के इतना कुछ सीख सकता हूँ? तो यही बताया गया बेटा, इसमें बार बार अभ्यास करने से जो ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते वो भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह एक रस्सी सिल पर बार बार निशान बनाती है, उसी तरह हम भी अपने मन पर एक छाप बना सकते हैं। धन्यवाद।